देखिए, इसमें हमारे प्रोड्यूसर हैं जीतू जी और एक प्रोड्यूसर और हैं हमारे भैया वैश्मणि गिरी, वहाँ खड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइटल्स भी और काफ़ी अच्छी स्टोरीज है हमारी ये एक। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये टाइटल बहुत यूनिक है, अनोखा है, कुछ क्या कहानी, किस प्रकार से इस टाइटल को आपने ये चुना है? देखिए, ये एक्चुअल में जो कहानी है, एक ऐसी कहानी है कि जो क्राइम नहीं करना चाहते हैं पर मजबूर हैं बहुत वो लोग, तो उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो एक क्राइम की तरफ बढ़ देते हैं, और क्राइम नेवर पेस, कभी जुर्म छुपता नहीं है। तो ये पूरा एक चला है, हमारे सुबोध जी वहाँ बैठे हैं, इसके राइटर हैं सोमदेश पांडे, और टाइटल्स भी अच्छा है, और स्टोरी जो उन्होंने लिखी है वो एक्चुअल में टू वे में चली है, ऐसा नहीं है कि एक सीरीज़ है वो मर्डर हुआ ऐसा वैसे चलता रहे और बाद में वो क्लियर हो जाए। इसमें कॉमेडी भी है, इंटरटेनमेंट भी है ये, और इसमें मतलब पूरा मिर्च मसाला जिसे इंडस्ट्री में चाहिए होता है। इसका एक पार्ट बहुत अच्छा है कि इसकी वेब सीरीज़ का जो एंड हुआ है, मतलब हर एपिसोड का जो एंड है वो एक क्लाइमेक्स होकर छूट जाएगा, मतलब लड़की को अगर वो गन पॉइंट पे लाएगा तो वहाँ पे एंड, उसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुछ और सवाल पूछूं, पहले ये जानना चाहता हूँ कि स्टार कास्ट कौन कौन है और किस प्रकार से फाइनलाइज हुई है? हाँ, देखिए, स्टार कास्ट में हमारे लीड कैरेक्टर हैं वेद दुबे जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और स्ट्रगल पीरियड मेरा और इनका साथ में गुजरा है वेद का, तो मेरे बारे में जितना ये जानते हैं शायद कोई नहीं जानता होगा, कहाँ मिले कैसे, और हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। और फिर सर को कौन नहीं जानता, बी के तिवारी सर हमारे जो हैं वो मेन प्राइमरी करेक्टर हैं, और मैम ये लोग तो मतलब किसी उसके मोहताजी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, तो मैनाज शरौफ जी तो काफ़ी माशाल्लाह से काम करती हैं, तो हमारी टोटल जो हमारी कास्टिंग है वो नॉन फेस है, 80% नॉन फेस है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट ही यहाँ आया था, और तकरीबन 20 साल में दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे और सब में सिंगर था, बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को देख के। एक्चुअली जो मुझे अभी तक जो उन्होंने बताया वो समझ में आया कि एक्चुअली एक वेडिंग प्लान बनता है एक मिशन के लिए, और उस वेडिंग प्लान में हर जो पात्र है वो काल्पनिक है, और वो ये चाहता है कि उसके जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए, पर दुर्भाग्य से क्राइम कमिट होते जाते हैं जो वो चाहते नहीं। yes. अब वो हो जाते हैं तो नेचुरली सब कानून, लॉ, पुलिस सब इन्वॉल्व हो जाती है, और ये सरप्राइजिंगली बाद में आप देखेंगे कि सभी इनोसेंट थे, कोई और निकला, जिनको आप देख रहे हैं कि इन्होंने मर्डर कर दिया, इन्हें कर दिया, भूपिंदर ने कर दिया, सर ने कर दिया, अरे ये हो गया, बिल्कुल इम्पैक्ट यही छोड़ेगा कि यही हो रहा, पर कुछ और ही क्लाइमेक्स होगा। और इन्होंने कोशिश की है कि सीजन वन इस तरीके से छोड़ा जाए कि सीजन टू के लिए पूरा रास्ता, हाईवे खुला रहे। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल 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 जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी आप लोगों ने तो बोल ही दिया है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने काफ़ी मेहनत की है और हम लोग को लिया है, बस शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म में जो जो भी फिल्म बनती है उसके लिए लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोकेशन क्या होगा, कहाँ है शूट करेंगे? लोकेशन सर हम लोग कल्याण में शूट करेंगे। सॉरी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छी स्टोरी है वेडिंग गेम, काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। और लोकेशन के लिए मैंने काफ़ी सारा लोकेशन मुझे ट्राई लगा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे कल्याण का लोकेशन लगा, और जहाँ पर जो बनेगा बहुत अच्छा लगेगा इंसान, बहुत प्यारा लगा। सर ने पहले भी शूट किया है, हमने मैंने सर के साथ 11 वहाँ पे मतलब बनाए हैं प्रोजेक्ट, कुछ टाइम के लिए चले गए थे फिर वापस आए 3 साल बाद लौट कर मेरे पास, हमने रातों दिन शूट किया है पहले भी, ये 12वां कंटेंट है मेरा इनके साथ। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वेडिंग गेम में वेब सीरीज है, क्या इसमें सॉन्ग होंगे? नहीं नहीं, सॉन्ग नहीं है सर, सॉन्ग अगर होंगे तो सबसे अच्छा। नहीं, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि मर्डर हो रहा है, मर्डर में सॉन्ग की तो कोई जरूरत नहीं है। सर वेब सीरीज है तो कहाँ इसे रिलीज करेंगे? ये हमारा देखिए OTT को हम एक्चुअल में शो नहीं करते हैं कभी भी, किस चैनल्स के लिए कर रहे हैं ये OTT की परमिशन नहीं है हमें, बट ये जिस OTT के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये अगर वहाँ से हमें बोलते कि आप बता सकते हो OTT का नाम तो हम बिल्कुल बताते हैं हम आपको, लेकिन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है ये, तो
थोड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट है, मतलब वो चैनल से हमें इन चीज़ों की परमिशन लेना पड़ती है पूरी। अच्छा, ये जो पोस्टर है उसके पीछे एक हवेली भी नजर आ रही है। जी 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 जी, उसका क्या राज है? वो कैसे? ये कोई राज नहीं है सर, असल में ये जल्दी का काम है। एक्चुअल में हुआ ये कि हमने रात को 3 बजे तक डिजाइनिंग की, इसकी पूरा नहीं हो पाया, बट पीछे होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो ठीक है, DTP अच्छा कर दिया। कितने एपिसोड बने सर? ये 10 एपिसोड हैं इसके, ये सीजन 1 है, हम इसका सीजन 2 भी इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। सब में सर, जैसे आपने बोला कि 10 सीरीज बनाने वाले, तो आर्टिस्ट चेंज होंगे कि सर वही? नहीं नहीं, वही आर्टिस्ट होंगे भाई, ऐसा मत बोलो, बैठे हैं अभी सब आर्टिस्ट चेंज कर देंगे तो फिर सब बैठे हैं। चेंज करने से हो ही पूरा नहीं हो पाएगा। शूटिंग शुरू होने वाली है और कितने दिन का प्लान है? बस ये नियर अबाउट 5 से 7 दिन बाद हम शूटिंग शुरू कर देंगे, हमारी तरफ से सब रेडी है, थोड़ा चैनल की तरफ से कुछ स्टोरी में करेक्शन है जो हो रहा है, उसके बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके सारे क्रिएटिव वगैरह रहते हैं। और 10 दिन का हमने शेड्यूल बनाया है कल्याण में, तो 10 दिन वहाँ शूट करेंगे, जो आसपास की सारी लोकेशन हैं सब फाइनल हो गई है, हंटिंग हो गई है। सर, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्या किरदार प्ले कर रहे हैं? सर, मुझे जो पता है, जितना बताया जाता है, कि इसमें एक ऐसा पिता है जिसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, और माने मैं एक्चुअली उस फैमिली का मैं पिता नहीं हूँ, मैं भी एक किरदार हूँ, पर मैं पिता बन के आया और आई एम डूइंग माई जॉब। इसके पहले मैंने तकरीबन 80-82 ए ग्रेड फिल्में की हैं, डेडी पिक्चर, जोकर, अग्निपथ, रात्रि, अभी शमशेरा कम्प्लीट हुई, कल अनकही वो वेब सीरीज आई, और अभी मिलन लथुरिया की सुल्तान ऑफ दिल्ली कर रहा हूँ, एक शो भी इसी में चल रहा है वो कलर्स में, ससुराल से बढ़कर। तो मैं तकरीबन 20-22 साल से आप ही लोगों के बीच में हूँ, तो जितना मुझे रिवील करने को कहा गया है कि मैं एक खरीदा हुआ मंगाया हुआ पिता हूँ, मेरी वाइफ भी वैसे ही है, हर किरदार इसमें वैसे ही है, पर मतलब आपको आपको बता दिया, पर ऐसा लगेगा हस्बैंड वाइफ मैं इनकी वाइफ। आपका किरदार किस तरह का है इसके अंदर? मैं हम लोग शायद ये शायद हस्बैंड वाइफ शायद नहीं है, हस्बैंड वाइफ था फिल्म के अंदर, किरदार के अंदर किरदार है। हां, यस 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 यस, हर जगह जाना है, एक्टिंग करना है बस। कितना डिफिकल्ट होता है कि किरदार के अंदर किरदार सर? कठिन होता है, इसलिए तो नॉन फेस है। जाहिर बात है, वो लोग हैं जो मतलब मास्टर हैं, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट होते हैं, तो जो कला हमने लिए हैं अपने किरदार, वो उसकी कास्टिंग में हमने बहुत मेहनत की है, ऐसे नहीं लिए हैं कि किसी को भी ले लो, ठीक है। और किरदार देखिए, जो ये बच्चे एक्टिंग करते हैं ना, तो एक्टिंग आप कोई भी कर लेगा सर, लेकिन करेक्टर में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो सर मेरे साथ बैठे हैं या मेरी टीम्स बैठी है जिनको मैंने लिया है यहाँ पे, वे जी हैं माशाल्लाह से, नजर है। तो वो जानते हैं कि उसको कैसे प्ले करना है, और प्रोफेशनली है, मतलब जिस दिन डन हुआ तो उस दिन बोले स्टोरी सर। नहीं, प्रश्न आपका बहुत अच्छा, ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है सब लोगों में। सर, सर से भी जानना चाहूंगा, सर आप क्या किरदार उसमें निभाने वाले हैं? ये प्रोड्यूसर है, हो सकता है आप इनोसेंट हो और लास्ट में विलन दिखाई दे। सर, मैं नेगेटिव के लिए भी रेडी हूँ, और अगर पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव के लिए भी, अभी जस्ट जो भी करवा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एज एन एक्टर भी रह चुका हूँ, इसलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। आप लोग का आशीर्वाद। राघव का करेक्टर है एक उसमें, बहुत अच्छा है, जो प्रणव को के पास पैसे लेने आता है, प्रणव कर्जदार है उनके, मतलब उनको पर कर्जा है, तो वो एक निगेटिव करेक्टर। इंस्पेक्टर तो इन्होंने क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया बहुत कर लिया, काफ़ी किया है, मैनाज जी के साथ किया है, तो वो मैंने कहा आप एक निगेटिव करेक्टर कीजिए, और फेस भी वैसी है। पहले तो आप लोग सभी को नमस्कार करता हूँ, और इसमें मैं को प्रोड्यूसर हूँ, मतलब मेरे छोटे भाई मेन हैं, और इसमें मेरा रोल क्या है वो मुझे मालूम नहीं मालूम नहीं है, लेकिन शायद कोई ना कोई तो रहेगा ही, अभी क्या है मुझे मालूम नहीं। ये स्टोरी आपके पास जब आई तो कैसे लगा आपको कि इस पे? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरी स्टोरी है, और पूरे फैमिली के साथ हम बैठ के देख सकते हैं, इसके लिए मैं इसमें हाँ बोला हूँ करने के लिए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या किरदार है? सर, मेरा नाम भूपेंद्र है, आप जानते ही होंगे, इसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, इसका टाइटल मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ किया। सर, आपकी आवाज भी बुलंद है। सर, ये आप लोग की मेहरबानी है। किरदार किस तरह का? जैसे इंस्पेक्टर का सर, क्राइम का इंस्पेक्टर। वर्स्ट क्राइम करेंगे सर इंस्पेक्टर? हाँ, बस वही पुलिस का क्या काम होता है वो तो आप जानते ही हैं। जी सर, आपका क्या? सर, मेरा नाम दिनेश रिकामे है,
क्राइम पेट्रोल में करता हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे, पुलिस का ही किरदार कर रहा हूँ, इसमें भी पुलिस का ही कैरेक्टर कर रहा हूँ। किस तरह का रोल होने वाला है कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? वो तो अभी नहीं बता सकते, सस्पेंस है। सस्पेंस है। सर आपसे कहना चाहेंगे क्या? नमस्ते, मेरा नाम गुलाम शेख है। शाहरुख सर ने मुझे एज अ फादर कैरेक्टर के लिए अपॉइंट किया है, तो कुछ तो बात होगी कि उन्होंने मुझे बाप बनाया है, शायद हीरोइन का बनाएंगे या हीरो का बनाएंगे, नहीं पता मुझे। तो क्या कहेंगे वे ये वेडिंग गेम के बारे में, किस तरह से जुड़े हैं आप? माई नेम इज़ किया, और ये सीरीज़ वेडिंग गेम्स हमारे OTT पे जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हमारे OTT का नाम है सिनेबॉक्स प्राइम, और मैं और साहिल हम दोनों पार्टनरशिप में ही हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी सीरीज़ आए वेडिंग गेम्स, और आप लोग भी जल्दी देखें। और मेरे ख्याल से मोस्टली लोग यहाँ पे काम करने वाले ही हैं वेडिंग गेम्स में, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको। ये जो वेब सीरीज है वो आपके OTT पे रिलीज होने वाली है? हाँ जी, हमारे OTT पे, सिनेबॉक्स प्राइम। आपके जो OTT पे किस तरह की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, बारे में बताएं। हमारा जो OTT है सिनेबॉक्स प्राइम, तो हमारी लॉग लाइन ही यही है, जब देखना हो आपको फैमिली के साथ हॉरर ड्रामा और क्राइम, तो क्यों ना हो सिनेबॉक्स प्राइम, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई बोल्ड वल्गर कुछ भी हम लोग नहीं रखते, ड्रामा हॉरर और क्राइम, कॉमेडी कॉमेडी भी, कॉमेडी भी लॉग लाइन में सामने हम लोगों ने। नहीं, कॉमेडी तो रियल लाइफ में भी जरूरी है, तो OTT पे क्यों नहीं। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ देखिए सर, वैसे तो मैं किसी OTT का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चल रहे हैं, पहले तो एक था, बहुत सारे हैं, और ये भी नहीं कहूँगा कि सब बोल्ड बना रहे हैं, लेकिन मैं जिस OTT से कर रहा हूँ ये ऐसा है कि आप पूरे परिवार के साथ देखें इसे, और उसमें मेंशन है बाकायदा अप्रूवल के अंदर, हमारे एग्रीमेंट के अंदर, कि कोई भी ऐसा सीन नहीं होगा। और ये मेरा गुड लक है कि मेरे पास स्टोरी ऐसे है कि एक हग भी नहीं है, एक उसमें किसिंग शॉट भी नहीं है, तो ऐसा OTT होना आज के ज़माने में, आप जानते ना कि आराम से उसे आप देख सकते हैं, तो टू गुड टू बेटर। और काफ़ी अच्छी टीम्स हैं इनकी जो बैठती है, आज 5 से 6 दिन आप सोचिए इनकी क्रिएटिव खाली हमारी स्टोरीज पे बैठे हैं, मतलब पॉइंट्स नोट कर रहे हैं कहाँ ये कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा, सोम देश पांडे जी राइटर हैं इसके, और बहुत अच्छी लिखी है। मेरे जो लीड करेक्टर वेद दुबे जी हैं, काफ़ी क्राइम पेट्रोल्स वगैरह ये वो करते हैं बहुत टाइम से, तो उन्होंने तारीफ़ की तो मुझे आज की है अभी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि मेरे पास ऐसे राइटर हैं। और ये चैनल्स के राइटर हैं, मैं आपको ये भी इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरे नहीं हैं, चैनल्स के हैं, तो ये चैनल्स ने ऐसे राइटरों को हायर किया है जो प्रोफेशनली राइटर हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक राइटर होता है पूरी कहानी तो जी लेता है, जब वो लिखता है पूरी जी लेता है, इस कहानी के अंदर जो आपने लिखा हुआ है, जितने कैरेक्टर आए हैं इसके अंदर, आपके हिसाब से सही है? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सिने प्राइम बॉक्स और मैडम किया मैडम और सर सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्टोरी के बारे में, जो कैरेक्टर्स के बारे में आप बता रहे हैं, वो कैरेक्टर्स सब स्टोरी के रिलेटेड ही है। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और किस तरह से जुड़े हैं क्या बताना चाहेंगे? सर मेरा नाम साहिल है और मैं सिनेबॉक्स प्राइम से ही हूँ, क्रिएटिव टीम में, और क्या कहते हैं, ओनर भी मेरे डैड हैं, ठीक है, तो उन्हीं के साथ मैं चैनल चला रहा हूँ। और क्या है कि वेडिंग गेम सोम जी हमारे पास लेकर आए, सर आए डायरेक्टर हमारे शाहरुख जी, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, उम्मीद करते हैं अच्छी आएगी और सर बहुत अच्छा काम करेंगे। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। आप क्वेश्चन ही करना है यहाँ? हाँ सर, ये OTT के नाम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में मैं देखिए कंफ्यूजन ये था, एक्चुअल में हमने परमिशन नहीं दी रात, मैम का शायद गया 11 o'clock नियर अबाउट कॉल आया, शायद मिस कॉल थी, शायद गलती से लग गई, और मैंने इसीलिए सोच रहा था कि मैं एक बार परमिशन ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई सीक्रेट है, क्योंकि विदाउट मैम की परमिशन के तो मैं नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कॉल किया होगा तो मैं वो अटेंड नहीं कर पाई हूँ। बिल्कुल। देखिए ये सिनेबॉक्स प्राइम OTT है जिसके लिए हम बना रहे हैं, आप फैमिली के साथ अपनी पूरी बैठ कर देखें। और हमारे चैनल की खासियत है कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, बताते हैं, चाहे स्टोरी में और 5 दिन लग जाएं 10 दिन,
उसको पूरी तरह देखते हैं कहीं पे कुछ मिस ना हो, और इस तरह की चीज़ें जो आजकल चल रही हैं कि जिस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पे कोई सेंसर नहीं होता है OTT पे, तो वो सेंसर की तरह ही पूरा हमारा चैनल देखता है मैम का, और उसको बारीकी से जांचता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोगों पे गलत मैसेज पहुँचे। और सुबोध जी ने तो स्टोरी ही ऐसे लिखी है कि जो क्राइम नहीं करना चाहते उनके हाथ से बैड लक होता है कि क्राइम हो जाता है, वो फिर पूरी क्राइम की दुनिया में घुस जाते हैं। नाम खुशी है और मैं शिरोज सर को बहुत टाइम से जानती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया था, और इसमें मेरा बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, आप लोग देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी तो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि सस्पेंस टूट जाएगा। शिरोज सर को मैं 3 साल से जानती हूँ, उससे भी ज़्यादा, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। आप क्या कहना चाहेंगी? हाय, माय नेम इज सोनल पांडे, और सर को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, आई थिंक मुझे 4 साल हो गए। तो सर ने मुझे एक करेक्टर के लिए चूज़ किया था, तो एक्चुअली अभी फिक्स नहीं है क्या करेक्टर है, बट मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी और बेस्ट रिजल्ट दे पाऊँगी। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन और किस तरह का किरदार है इस फिल्म में, वेब सीरीज में, क्या कहेंगे? सबको नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफरादिल है और मैं 40 साल से और ज़्यादा से बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने फॉरेन के लिए भी काम किया है। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन ये है कि ठीक है सब, और मैं जो आया हूँ वो ऐश के राज के थ्रू, इसलिए कि उनके साथ मैंने वेब सीरीज़ किया, और अभी मेरी एक वेब सीरीज़ चल रही है, उसमें 10 दिन के अंदर 1,40,00,000 ने देखा है, और हिंदुस्तान की जितने बड़े प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं सब का ऐड किया है, और जितने बड़े डायरेक्टर हैं उनके साथ ऐड किया है, मार्को लंडन के उनके साथ किया है, और मैं क्या बताऊं, वेब सीरीज़ किया है, एल्बम किया है, और इसमें मैं कमिश्नर का रोल कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन और किस तरह से जुड़े हैं? नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, और आज शाहरुख भाई मुझे इनवाइट किए थे यहाँ पे, और मैं इस फिल्म, मतलब म्यूज़िक तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर, और शाहरुख भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरे तरफ से पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि काम अच्छे से करें। मैं वही बधाई देने के लिए आ गया था, शाहरुख भाई को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही जितेंद्र भाई को भी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, मैं अपने स्ट्रगल टाइम से जान रहा हूँ कैसे स्क्रैच से बिल्कुल यहाँ तक पहुँचे। हाय एवरीवन, सो माय नेम इज़ दिलसी, एंड मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ पिछले 15 साल से। बचपन से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई है जब मैं 6th स्टैंडर्ड की थी, और एक्सपीरियंस काफ़ी लेती गई। एक्टिंग मेरा पैशन था, और बस 15 साल हो गए काम चल रहा। मैंने विया फैमिली किया, करण जौहर की, उसमें मैं प्ले कर रही थी करीना कपूर की डॉटर, और मैंने सुधर मिश्रा की मूवी की है, फिर विपुल शाह की मूवी की है। अभी तो यही प्रोजेक्ट है, फिर देखते क्या होता है। हाँ वो तो है, वो ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो सबको इंतज़ार कैसे रहेगा। हाँ वो हीरोइन का थोड़ा वो इफेक्ट भी होना चाहिए ना। तो डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हीरोइन पहले ही लेट हो चुकी है सेट पे, क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं ना, वो कोई इंतजार थोड़ी करेगा। हाँ। और हीरोइन को हम वहाँ नहीं वहाँ पकड़ कर रखेंगे, वहाँ पकड़ के रखेंगे ना, हम लेकर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आ नहीं सकती, वही रहना पड़ेगा। और काफी अच्छा करती हैं रंजी, हम देख रहे हैं बहुत टाइम से, तो हमारा स्ट्रगल पीरियड था तब इन्होंने शुरू किया होगा। हाँ 12 साल की थी मैं। सर स्ट्रगल तो सब करते हैं, मैं न्यू जनरेशन को 2 ऐसी बातें देना चाहता हूँ जो उनकी लाइफ में बड़ा काम देंगी। मैं एक तो उनको बोलना चाहता हूँ, यार जब तुम सोकर उठते हो ना तो 14,430 सेकेंड आपके अकाउंट में ऊपर वाला डालता है, क्या कैलकुलेशन है भाई, तो उसको यूज़ सही करो यार, ये बियर पी के और आप मतलब चखना खा के कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरा तजुर्बा है ये। और दूसरा ये यार, अगर आपको 100.1% कामयाब होना है तो एक काम ऐसा है जो शायद किसी के जहन में नहीं आता, मैं कहता हूँ उसको पार्टनर कर लो रब को, आप रब को पार्टनर कर लो, जितनी भी आपकी इनकम है 5% या 10%, जब वो पार्टनर रहेगा तो और आप बिल्कुल सेफ हो,
किसी दानिश्वर से यानी कि माइंडेड इंसान से ये पूछा कि यार तुम करोड़पति कैसे बने, तो उसने कहा मैंने अपने नीचे वालों को लखपति बना दिया, मैं करोड़पति बन गया। सही बात है। तो ये लोग यूज सही नहीं कर पाते हैं अपने वक्त का, मोबाइल सोशल नेटवर्किंग। आपको 3 GB डाटा मिलता है, मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं आपको बता दूँ 3 GB डाटा मिलता है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? कुछ गलत सलत देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, धार्मिक देख रहे हैं, वो आपके ऊपर ऐसी ऊपर वाला भी आपके अकाउंट में डालता है रोज़। उसका यूज़ सही करो यार, धक्के मत खाओ, जो करने आए हो वो करो और उसके अलावा कुछ मत करो। और लाइफ में एक गुरु ज़रूर बना लो। हाँ, आप बिना गुरु के नहीं चल सकते इस लाइन में, भटकते रहोगे आप। एक गुरु आपका होना चाहिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। सर सबसे फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच, हमारे डायरेक्टर सर है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक मेरा करेक्टर है वेडिंग गेम में, और मैंने अभी 3 साल हो गया मेरा एक स्ट्रगल करते, और मैंने अभी अल्ताफ राजा के साथ एज ए लीड उनके साथ एल्बम सॉन्ग भी किया है और टीवी सीरियल भी मैंने किया है थोड़ा बहुत। और अभी वेडिंग गेम में मेरा एक करेक्टर है जो अभी सस्पेंस बना हुआ है, तो उसमें मेरा करेक्टर क्या होगा अभी पता चलेगा कुछ दिन बाद, तो आई होप अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं यहाँ एक बात सबको अनाउंस करना चाहता हूँ, वहाँ हमारे प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हाँ। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, नहीं वो सर कम थोड़ा एक मिनट, जिनके सर साथ हम मूवीज़ बना रहे हैं और हमारी मैम सामने बैठी हैं, उस चैनल के थ्रू ही बना रहे हैं, बहुत अच्छी मूवी है निर्मलता, ये एक सत्य घटना पर आधारित है और चैनल से लगभग पास हो चुकी है, बाकी तो मैम के ऊपर है। सब हम जाएंगे कल या परसों उनके पास, तो उसमें जो भी करेक्टर्स यहाँ बैठे हैं हमारे पास या इसमें जो हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको लूँ उसमें जो जहाँ फिट हो सकता है। और हम कर रहे हैं जी कर रहे हैं मूवीज़, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे और आप जितने लोग हैं फिर आएँगे।